हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कन्फ्यूज़न, नया कंपाइलर इंस्टॉल किया, कन्फ्यूज़न थी कि मेन फंक्शन के अलावा, मेन फंक्शन तो बनाना ही बनाना है, हेडर फाइल लिखनी है कि नहीं लिखनी है। पिछला जो कंपाइलर था वो भी कोड ब्लॉक्स का ही कंपाइलर था, कहीं और से डाउनलोड हो गया था, जिसकी वजह से वो बिना हेडर फाइल के सपोर्ट ही नहीं करता था। तो ये देखिए, यहाँ पर भी कोड ब्लॉक्स कंपाइलर ही डाउनलोड किया है दोबारा से मैंने, और यहाँ पर अब मैं एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ। तो ये एम्प्टी फाइल ले ली हमने, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने मेन फंक्शन बनाया, तो ये मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मैं कोई हेडर फाइल नहीं लिख रहा। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, ओके, और यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले लिया हमने और ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करा दिया जीरो, ठीक है। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर लूप लगा लेते हैं। तो ये फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं, फॉर लूप हो गया। यहाँ पर ए में स्टोर है जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिखा, यानी कि ए में स्टोर तो जीरो ही है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। टर्मिनेट किया, ए इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दोनों लगाया है मैंने। यहाँ पर ए में रखी हुई वैल्यू को 10 टाइम मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, टर्मिनेट किया, ए प्लस प्लस कर दिया, यानी इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में क्या करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा मैंने, और सिर्फ प्रिंट तो लिखने से होगा नहीं, ये सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ लिखेंगे, और यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये लिख दिया सूरज, ये नाम मैंने लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पर कर दिया इसे टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें इसको सेव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं सेव, ओके, तो यहाँ से इसको सेव करते हैं और ये डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव कर देता हूँ loop लूप के नाम से, loop.c लगाना ज़रूरी, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये लूप की बॉडी भी कर्ली ब्रैकेट से बना दी, और कहीं पर भी मैंने हेडर फाइल नहीं लिखा है, जैसा कि आंसी ने कहा है कि आपको हेडर फाइल लिखना चाहिए, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, उसी के लिए ये कंपाइलर इंस्टॉल किया है। तो चलिए आइए बिल्ड पे चलते हैं, कंपाइल पे चलते हैं। तो ये कंपाइल करवा दिया, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया क्योंकि कोई एरर नहीं आई है, और अब इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे रन करवाते ही आप देख सकते हैं कि ये सूरज कितने टाइम प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 टाइम प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है, और ए की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट किया है, तो जीरो में एक हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, ऐसे करके ये 11 टाइम प्रिंट हुआ है। हम चाहते हैं कि ये सूरज जो नाम प्रिंट हो रहा है, अभी आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये इस तरह से आ रहा है, हम चाहते हैं ये सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट होकर आए। कैसे प्रिंट होगा आइए समझते हैं। यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ, \n लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब इसको सेव करता हूँ। तो ये सेव कर लिया, अब बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड पे क्या जाना है, इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, ये जो आउटपुट आया था। अब यहाँ से बिल्ड पे जाएंगे, कंपाइल करवाएंगे और अब इसको रन करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेपरेट सेपरेट लाइन में ये प्रिंट होकर आया है। अब इसको काउंट कर सकते हैं इजीली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 बार प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ पर 9 कर देंगे तो ये 10 बार प्रिंट होगा, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से 9 कर दिया हमने। अब इसको सेव करूँगा तो ये 10 बार प्रिंट होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई। तो ये एक बार कंपाइल करवा देते हैं और एक बार और इसको रन करवा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार प्रिंट हो रहा है, इसके पहले 11 बार प्रिंट हो रहा था। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि हेडर फाइल लिखना ज़रूरी है या नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।